वेलकम स्टूडेंट। आज के जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास सेवन्थ मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर फर्स्ट है जिसका क्या नाम है इंटीजर्स। इसके बारे में आज हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला चैप्टर है वो इंटीजर है और हम इसको एनसीईआरटी की बुक में से करेंगे और ये सभी के लिए यूज़फुल है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर, यानी नंबर अलग अलग तरह के होते हैं, जिनमें आप सिक्स क्लास में जब मैथ्स पढ़ रहे थे तब आपने एक नंबर का बारे में सुना होगा जिसका नाम है नेचुरल नंबर। ये दो नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर आप पढ़ के आए हो। और ये जो थर्ड जो हम चैप्टर कर रहे हैं पहला, उसमें जो थर्ड टाइप का नंबर है इसी इंटीजर के बारे में बात की गई है। तो नेचुरल नंबर क्या है? तो वो जो काउंटिंग नंबर जिनको हम गिनते हैं, गिनने वाले जो हमारे नंबर होते हैं जो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे वन, टू, वन से शुरू होता है नेचुरल नंबर। वन से क्या होता है? स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट होता है, फिर टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, और ये कहाँ तक जाता है? ये इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब अनंत तक ये लगातार बढ़ता ही रहता है। उसके बाद जो सेकंड तरह का नंबर है होल नंबर, ये भी आपने सिक्स क्लास में पढ़ा होगा। ये होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में अगर हम ज़ीरो को और इंक्लूड कर देते हैं या ज़ीरो को और नेचुरल नंबर के साथ में रख देते हैं तो जो अगला नंबर का सेट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। जैसा आपने देखा ये वन से लेकर सारे नेचुरल नंबर है और इसके साथ हमने ज़ीरो और रख दिया, यानी कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? ज़ीरो से। तो ज़ीरो से फिर वन, टू, थ्री, और ये कहाँ तक चलेंगे? इन्फिनिटी तक। तो इस तरह के जो सेट है उसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। फिर थर्ड आता है हमारा जो सेट है वो कौन सा है? इंटीजर। तो ये जो सारे होल नंबर हैं इनके साथ में हम इनके नेगेटिव भाग को भी और ले लें, यानी नेगेटिव पार्ट को भी हम ले लें। तो जैसे होल नंबर है सारे, इसके बाद जैसे जीरो का तो कोई नेगेटिव होता नहीं, जीरो तो ज़ीरो होता है, वन का नेगेटिव, माइनस वन, टू का, माइनस टू, थ्री का, माइनस थ्री, ऐसे करके अगर हम सारे इसके नेगेटिव पार्ट ले लें तो वो पूरा एक बड़ा समूह बन जाता है, यानी सेट बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे मैंने नीचे एक ये लाइन ड्रॉ कर रखी, इस लाइन को क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। ये आपने सुना होगा सिक्स में नंबर लाइन। इस नंबर लाइन में जो मिडिल वाला पॉइंट है वो ज़ीरो है और ज़ीरो के इस तरफ यानी राइट साइड में हम क्या देख रहे हैं? सारे वन, टू, थ्री, सारे ये कौन से नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव यानी जिनके साइन प्लस हो। और उसके बाद हम देख रहे हैं ज़ीरो के कौन से साइड में? लेफ्ट साइड में। सारे कौन से नंबर रख रखे हैं? नेगेटिव नंबर रख रखे। और ये सिक्स के बाद ये कहाँ तक जा रहे हैं? डॉट डॉट का मतलब है ये भी कहाँ तक जा रहे हैं? इन्फाइनाइट तक जा रहे हैं। और इधर भी माइनस में भी कहाँ तक जा रहे हैं? इन्फाइनाइट तक जा रहे हैं। तो ये सारे माइनस नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले नंबर के सेट को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। और इस इंटीजर्स को तीन भागों में बांटा गया, यानी तीन पार्ट्स में बांटा गया। ये वन से लेकर जो इन्फाइनाइट तक जा रहे हैं ये सारे हैं पॉजिटिव इंटीजर, यानी प्लस साइन वाले। और फिर ये जो माइनस वन से जो माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर। और फिर तीसरा भाग, ये तो फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, और तीसरा जो पार्ट है इंटीजर का वो है ज़ीरो। ज़ीरो ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है और ना ही क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर हम किसके लिए देखेंगे? इंटीजर्स के लिए सीखने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को पहले क्लासों में भी बहुत बार किया हुआ है। जब हम सारे पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो आप उसको आसानी से असेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ, यानी सबसे पहले आएगा छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, और फिर और बड़े बड़े नंबर हम लिखते जाएंगे। लेकिन अब हमें सीखना है असेंडिंग ऑर्डर को इंटीजर्स में हम कैसे जमाएंगे, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी है और क्या है? नेगेटिव नंबर भी है। तो मैंने आपके सामने एक नंबर लाइन बना रखी है। इस नंबर लाइन में मैंने बहुत सारे इंटीजर्स लिख रखे हैं। जैसे देखो, ज़ीरो है, फोर है, सेवन है, इलेवन है, फिफ्टीन है, माइनस वन है, माइनस फाइव है, माइनस नाइन है, माइनस ट्वेल्व है। तो फिर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे जमाएंगे? तो जब हम
बात करते हैं ज़ीरो के इधर के नंबर की, और ज़ीरो के जब इधर हम जाते रहते हैं तो एक के बाद नंबर क्या होते जाते हैं, बिग यानी बड़े होते जाते हैं, यानी ज़ीरो से बड़ा वन, वन से बड़ा टू, टू से बड़ा थ्री, तो इधर जो भी सारे नंबर आते हैं वो बड़े होते जाते हैं। लेकिन जब हम ज़ीरो से कहाँ जाते हैं, लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, तो नंबर क्या होते जाते हैं, स्मॉल यानी छोटे होते जाते हैं। यानी ज़ीरो से छोटा क्या है, माइनस वन, माइनस वन से भी छोटा क्या है, माइनस फाइव, और माइनस नाइन से भी छोटा क्या है, माइनस ट्वेल्व। तो जब हम ज़ीरो से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो नंबर छोटे छोटे होते जा रहे हैं, और ज़ीरो से राइट की तरफ जा रहे हैं तो नंबर क्या होते जा रहे हैं, बड़े बड़े होते जा रहे हैं। तो फिर इस टेबल में अगर हम इस नंबर लाइन में देखेंगे तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, तो सबसे छोटा होगा माइनस ट्वेल्व, फिर उससे थोड़ा बड़ा क्या होगा, माइनस नाइन, फिर उससे थोड़ा बड़ा माइनस फाइव, फिर उससे थोड़ा बड़ा माइनस वन, फिर उससे थोड़ा बड़ा ज़ीरो, और उससे थोड़ा बड़ा फोर, फिर उससे थोड़ा बड़ा सेवन, फिर इलेवन, और सबसे बड़ा कौन सा हो गया, फिफ्टीन। तो ये हमने इसको किस में जमा दिया, असेंडिंग ऑर्डर में। इसमें सबसे छोटा क्या आया, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा आया, और ये फिफ्टीन क्या आया, सबसे बिगेस्ट। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम पॉजिटिव नंबर में देखते हैं तब जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ा नंबर होता है, लेकिन नेगेटिव में अगर हम देखेंगे तो जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे क्या होता है, छोटा होता है। जैसे अगर मैं आपको दो नंबर दूं, माइनस ट्वेल्व और मैंने माइनस नाइन लिखा, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ इनमें से बड़ा कौन सा है, तो आप किसको बड़ा बताओगे, तो कई बच्चे बोल देंगे कि माइनस ट्वेल्व बड़ा है। नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में जो सबसे छोटा है वही क्या है, बड़ा है। तो इसमें कौन सा बड़ा है, माइनस नाइन बड़ा है। लेकिन अगर हम ट्वेल्व और नाइन में पूछें कि कौन सा बड़ा है, तब तो सिंपल आंसर है कि हम बोलेंगे ट्वेल्व बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव में जस्ट उल्टा होता है, जो छोटा होता है नेगेटिव वाले में वो बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है नेगेटिव में वो क्या होता है, छोटा होता है। इसी तरह हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। अब नेक्स्ट जो नंबर लाइन हमें उसको किस में जमाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि बड़े से छोटा, अब हमें बड़े से लेकर छोटे की तरफ बढ़ना है। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव वाले सारे ही बड़े होते हैं, तो पॉजिटिव में सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 14, फिर आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 0। अब नेगेटिव की बात आएगी, तो नेगेटिव में जो सबसे छोटा होगा वही बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा नेगेटिव में कौन सा है, माइनस फोर, फिर माइनस फोर के बाद माइनस एट, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस इलेवन। तो इसका मतलब है ये जो 14 है ये इसमें सबसे बिगेस्ट यानी बड़ा नंबर है, और ये जो माइनस इलेवन है ये उस इसमें क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो हमें इन दो बातों का ध्यान रखना है कि कैसे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स को इंटीजर्स में अरेंज करेंगे। अब ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, ये जो शुरू के चार क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के चार पार्ट है, उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और जो सेकंड के चार पार्ट है उसको हम आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। आप वीडियो को पॉज करके आप अपनी कॉपी में इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।